राजगढ़ डलवर राजस्थान की प्राचीन बावड़ियाँ जो अब हो गई है जीर्ण शीर्ण, जिनमें से एक है राजगढ़ सरकारी अस्पताल के सामने। ये भी बड़ी शानदार बावड़ी थी, लेकिन आज कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसमें यह पीपल का सा पेड़ उग रहा है, यहाँ तक पानी हमने देखा है, और लोग इसमें नहाने के लिए कतारबद्ध रहते थे, और ये ऊंचाई से कूदा भी करते थे। आज चारों तरफ तो बाउंड्री और मकान बन चुके हैं, और ये जो बिल्कुल सूख गई है। राजगढ़ में जो भी प्राचीन बावड़ियां हैं सबका एक जैसा ही हाल है। ये काफी गहराई है, इसकी गहराई काफी है। वनस्पति ने चारों तरफ से घेर रखा है। सामने तिवारी टाइप जो निर्माण बना हुआ है, यहाँ पानी भरा रहता था और अंदर तक है लोग बाग जो इसमें घूम घूम के आते थे, तैर तैर कर आते थे। राजगढ़ में चार पांच बावड़ियाँ जो कभी ऐतिहासिक की बावड़ी रही है, और इनका राजगढ़ के इतिहास में नाम है, लेकिन एक एक दो बावड़ियों को छोड़कर सब खंडर हो चुकी है। राजगढ़ में चार पांच बावड़ियां थी, लेकिन सभी खंडर हो चुकी है। पुरातत्व विभाग को चाहिए कि अलवर जिले में जितनी भी बावड़ियां हैं उनकी सार संभाल की जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए, और पर्यटकों के लिए इनको खोल दिया जाए।